प्यारे बच्चों, कक्षा शास्त्र विषय संस्कृत, इसमें हम प्रथम जो हमारा जो पहले पार्ट से पहला पार्ट है उसमें मंगलाचरणम के विषय में बताया है, यानी भगवान की प्रार्थना के विषय में। तो उसमें आपको श्लोक याद करने हैं। अब ये जो प्रथमा पाठ है, पहला पार्ट है, उसका हम जो अर्थ वाली वीडियो तो पहले देख चुके हैं कि उसमें पूरा अर्थ बताया गया, लेकिन जो प्रश्नोत्तर वगैरह है, क्या होता है कि प्रश्न बच्चे की समझ में नहीं आता, तो प्रश्न समझ में नहीं आता तो बच्चा उसको गलत कर देता है या करता ही नहीं है। तो हम आज इस वीडियो में आपको प्रश्न समझाएंगे कि हाँ, पहले पार्ट के जो पहले पार्ट में आपके प्रश्न दे रखे हैं कि उनको किस प्रकार आपको पढ़ना है और पढ़कर उसको समझकर करना है। तो जैसे पहला है शुद्ध रूपम लिखत, शुद्ध रूप को लिखिए, शुद्ध रूप को लिखिए, या शुद्ध रूप में लिखा, शुद्ध रूप में लिखिए। तो बाल कहाँ क्रीडति, ये तो सही रूप दे रखा है, तो बाल कहाँ क्रीडति, तो ये तो सही रूप है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। बाल कहाँ क्रीडति, ये सही दे रखा है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको बदलना नहीं है। दूसरा है आपका श्यामा हसती, ये भी सही दे रखा है, तो श्यामा हसती ये भी आपका सही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए रागवाहा पीवति, अब इसमें अशुद्ध रूप दे रखा है, तो हमें किस प्रकार शुद्ध करना है उसको, जैसे पीवति दे रखा है तो रागवाहा पीवति, तो तापर हमारी बड़ी ई की मात्रा ना आके क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। तो हम शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे, रागवाहा पीवति, शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, रागवाहा पीवति। तो शुद्ध रूप आपका क्या हुआ, ये हुआ, ना कि ये, यानी जिसमें बड़ी की मात्रा की वो शुद्ध रूप नहीं है, जिसमें छोटी की मात्रा, जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ था कि बाल कहा क्रीडति, ये आपका शुद्ध रूप है। श्यामा हसती, यानी ये भी आपका शुद्ध रूप है। ये आपकी क्रियाओं में अगर परिवर्तन होता है, क्रियाओं में अशुद्धि होती है तो उसको परिवर्तन कर देते हैं। अब है फलम पतति, तो अभी जैसे ऊपर बताया कि बड़ी ई की मात्रा ना आके कौन सी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है, तो क्या आ जाता है, फलम पतति। चक्रम चलति, अब इसमें भी वही बात है, क्या कि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन आपको बड़ी ई की मात्रा आपकी शुद्ध नहीं है, तो आपको क्या शुद्ध करके लिखना है, छोटी ई की मात्रा लगानी है शुद्ध रूप में, तो क्या आ जाएगा, चक्रम चलति, चक्रम चलति। अब आता है पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति, तो विकसति में भी कौन सी ई की मात्रा लगी हुई है आपकी, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और हमें कौन सी ई की लगानी है, छोटी ई की मात्रा को लगाना है, तो क्या आ जाएगा, पुष्पम विकसति। पुष्पम विकसति, अगर आपका शुद्ध रूप दे रखा है तो आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर तो आपको कैसे लिख देना है उसको, बाल कहा क्रीडति, बाल कहा क्रीडति, ये आपका शुद्ध रूप है, तो शुद्ध रूप ऐसे ही उतार देना, ऐसे ही आपको लिख देना है। दूसरा क्या है, श्यामा हसदी, ये भी आपका शुद्ध रूप है, तो आपको इसमें कोई परिवर्तन ना करते हुए आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे लिखना है, श्यामा हसती। तो शुद्ध अशुद्ध रूप को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है, यानी किसमें कौन सी की मात्रा लगी हुई है, अगर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो वो आपका क्रिया में, इसमें क्रीडती हसती पीवती पतती चलती बिकसती, तो हमें क्या करना है उसमें चेंज, क्या करना है, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में परिवर्तित करके उसे शुद्ध रूप में लिख देना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न था आपका मेलनम कृत्वा, हमें संस्कृत में पता नहीं होता कि इसमें अर्थ क्या निकल रहा है और हम कुछ का कुछ लिख देते हैं, तो उसमें आया मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयत, यानी मिलान, मेलनम मीन्स मिलान, कृत्वा करके वाक्यानि वाक्यों को, रचयत बनाइए, यानी मिलान करके वाक्यों को बनाइए। अब इसमें जो दे रखे हैं मिलान, कहीं इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करने हैं, किस तरीके से करने हैं आपको, कि इसमें ऊपर प्रश्न के अनुसार आपको मिलान करना है, कैसे,
कि मेलम कृत्वा वाक्यानि रचयत, यानी मिलान करके वाक्यों को बनाइए। अब जैसे आपने पाठ में पढ़ा है कि गजहा, गजहा क्या करता है, हाथी, गजा का अर्थ होता है हाथी, तो हाथी क्या करता है, चलती। तो हम इसके जब नीचे लिखेंगे बराबर में, हाँ तो स्पेस नहीं है नीचे, तो हम क्या करेंगे बराबर में हाँ लिख देंगे, गजहा चलती, नीचे लिख देंगे। तो ये वाक्य बन गया हमारा गजहा चलती। इसमें लिखा हुआ है ना कि वाक्यानि रचयत, यानी वाक्य बनाइए। मिलान करना लगे आपने मेलनम कृत्वा पढ़ लिया और मिलान कर दिया, नहीं, मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचयत, मिलान करके वाक्यों को बनाइए। तो गजहा चलती यानी हाथी चलता है। दूसरा आपका बानरहा, बानरहा का क्या होता है, बंदर। तो क्या लिखेंगे हम, बानरहा लिख दिया। और दूसरी तरफ हमें क्या देखना है कि क्या करता है बंदर, नाचता है, फलता है, नृत्यति करता है या कूर्दति। तो कूर्दति यानी कूदता है, तो बानरहा कूर्दति, बानरहा कूर्दति, गजहा चलती, बानरहा कूर्दति। बंदर क्या करता है, कूदता है, हाथी क्या करता है, चलता है। तो हमने मिलान वाक्यों के सामने आमने सामने लिखने दोनों को, यानी बराबर बराबर लिख देंगे तो हमारा वो वाक्य बन जाएगा। इसके बाद क्या है, पुष्पम, फूल क्या करता है, पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। अब इसके बाद आता है राधा, राधा, राधा क्या करती है, नृत्यति, राधा नृत्यति, राधा नृत्यति। अब है आम्रम, चलती ना, आम्रम मीन्स क्या होता है, आम, तो आम क्या होता है, फलति यानी फलता है, आम्रम फलति। अब आता है प्रश्न, रिक्ति स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्ति स्थान, पूर्यत मतलब भरिए, रिक्ति स्थानानि पूर्यत, रिक्ति स्थान भरिए, रिक्ति स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। तो आप वो किताब के अनुसार भरते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं रिक्त स्थान, लेकिन आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि क्या करना है उसमें, कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, मान लीजिए इसको ही ले लीजिए कि आपके रिक्त स्थान में ये आ जाता है, तो हमने ये कहा कि ये हटा दिया, यहाँ खाली स्थान है, ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। कि ये तो समझ में भी आ सकता है कि रिक्ति स्थानानि पूर्यत, पूर्यत का अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो पूर्यत का अर्थ कहते हैं भरिए, तो रिक्त स्थान भरिए यानी जो खाली जगह है उसको भर दीजिए, रिक्त मतलब खाली, स्थानानि स्थान को, पूर्यत भरिए यानी खाली स्थान को भरिए। तो गजा, गजा के बाद हमने खाली जगह छोड़ दी, तो यहाँ क्या करेंगे, गजा क्या करता है, चलता है, तो यहाँ चलती कर देंगे, तो ये आपका रिक्त स्थान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बानरहा, अब हम इसको रफ कर देते हैं कि बानरहा कूर्दति, क्या है, यहाँ जाएगा बानरहा, क्या आता है, बानरहा कूर्दति। अब आते तो ये समझ में आ गया होगा रिक्त स्थान में हमें कैसे करना है, कि रिक्त स्थान भरिए, तो जो खाली जगह दे रखी होगी, प्रश्न आपको पढ़ना आ गया तो आप आराम से भर सकते हैं, कि रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी रिक्त स्थान भरिए। अब आता है प्रश्न निर्माणम कुरुत, क्या आता है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, मान लीजिए यही दे रखा है गजहा चलती, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माणम कुरुत का अर्थ क्या हो गया, प्रश्न निर्माण मीन्स बना के, निर्माणम कुरुत निर्माण करिए, प्रश्न का निर्माण करिए, कोई एक लाइन दे रखी होगी या कुछ दे रखा होगा, तो आपको उससे क्या बनाना है, उत्तर से प्रश्न का निर्माण करना है, क्या करना है, उत्तर से प्रश्न का निर्माण करना है। मान लीजिए यही दे रखा है कि गजहा चलती, हाथी चलता है, तो प्रश्न हो गया गजहा किम करोति,
प्रश्न क्या हो गया आपका, गजह किम करोति, हाथी क्या करता है, गजह किम करोति, हाथी क्या करता है। तो हमें पता चल गया कि हाथी क्या करता है, उत्तर क्या आया हमारा, गजह चलती। लेकिन पहले हमें उत्तर दे रखा है और उससे हमें क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो उत्तर क्या दे रखा था, गजह चलती, हाथी चलता है, और प्रश्न क्या बना इसका, गजह किम करोति। और प्रश्न के बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना जरूरी है। इसके बाद आता है बानरः कूर्दति, बंदर क्या करता है, कूदता है। तो उसका भी प्रश्न क्या बन जाएगा कि बानरः किम करोति, यहां पे लगा दे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। पहला आपका शुद्ध रूप में लिखिए, दूसरा आपका है मिलान करिए, तीसरा आया रिक्त स्थान भरिए, और चौथा आया प्रश्न निर्माण करिए। बाकी सब आपको पीडीएफ के माध्यम से मिली जाएगा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।